नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन बाद बीजेपी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट मंगवाई है, जिसमें एक एक लोकसभा क्षेत्र की बात की गई है और इसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में खबर निकलकर सामने आई है कि 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें कम से कम ऐसी है जहां पर बीजेपी सीधे सीधे हार रही है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। ये 2 सीटें हैं सिरसा और रोहतक। जी हां, सिरसा और रोहतक, ये 2 वही सीटें हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने यहां पर बोगस वोटिंग करवाई है। मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बकायदा ये कहा था कि ये बोगस वोटिंग पहले भी होती रही है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हुई है। हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि इस समय इस विषय को उठाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इन सीटों के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने हरियाणा सरकार को डेंट लगाने की कोशिश की है और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने कांग्रेस को बोगस वोटिंग करवाने का मौका दिया। ये तो बात हो गई हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की, जहां पर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यह बताया गया कि कम से कम ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है। 4 सीटों के बारे में यह कहा गया है कि यहां पर काफी टफ फाइट है और यहां पर या तो बीजेपी जीत सकती है या कांग्रेस जीत सकती है, दोनों में से कोई भी जीतेगा तो मार्जिन बहुत कम होगा। ये बात यानी कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है और ये 4 सीटें हैं। पहली सीट है सोनीपत, जहां पर पहले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस काफी मजबूत है, बीजेपी को इस बार इस सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि मोहनलाल बडोली जो बीजेपी की टिकट पर सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हैं गन्नौर के, उन्होंने कल ही ये आरोप लगाया था कि मेरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस को वोट डलवाई है। मेरे पास वीडियो और ऑडियो भी आए हैं। यानी कि 3 सीटें कम से कम अब ऐसी हो चुकी है जहां पर बीजेपी ने अपनी हार यानी कि सीधे तौर पर चाहे ना सही लेकिन स्वीकार कर ली है, क्योंकि मोहनलाल बडोली ने सीधे तौर पर कल ये बात कही कि यहां पर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करवाई है। वहीं बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में सिरसा और रोहतक की बात निकलकर सामने आई कि यहां पर तो कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी इन सीटों को हार सकती है। और वहीं अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी और इंद्रगढ़ में बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में आया कि यहां पर जीत का मार्जिन बहुत कम हो सकता है। यानी कि ये बात बीजेपी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही है कि जो इस बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने कड़ी टक्कर बीजेपी को दी है। 2 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, 1 सीट सोनीपत वाली, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। ये हमारी रिपोर्ट सामने आई है जो हमने अभी तक सर्वे करवाया, लेकिन 3 सीटों में जो बीजेपी है वो ये बता रही है कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ में काफी टफ फाइट रहेगी और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत भी सकती है और अगर जीतती भी है तो मार्जिन हार का, जीत का माफ कीजिएगा, बहुत कम होगा, और अगर हारती है तो भी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को रिपोर्ट मिली है कि वो सीधे तौर पर बड़ी अंतर के साथ, बड़ी लीड के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। इनमें पहली सीट करनाल की है, दूसरी सीट गुड़गांव की है, तीसरी सीट हिसार की है और चौथी सीट फरीदाबाद की है। ये वो 4 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को ये लग रहा है कि वो फुल फ्लैट मार्जिन के साथ ये सीटें जीत रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट थी, जो खबर हम तक आई हमने वो खबर आप तक पहुंचाई और आप ये खबर सब तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी चुनाव के नतीजे आने में लगभग 1 हफ्ते का समय बाकी है और 1 हफ्ते बाद नतीजे क्या आएंगे वो 1 हफ्ते बाद ही पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो फर्जी वोटिंग का आरोप हो या ईवीएम के आने वाले समय में आरोप लगे, ये आरोप कहीं ना कहीं जो वोटर है उसके मन को अब डगमगा नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग पूरी हो चुकी है और वोटिंग के बाद अब नतीजे आने बाकी हैं और 4 तारीख को देखना होगा कि इस बार एनडीए सरकार बनाता है या इंडिया गठबंधन देश की सत्ता चलाता है। धन्यवाद।